नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुबह, दोपहर या शाम, किस समय रत्न पहनने से क्या मिलता है लाभ? पंडित जी खोलेंगे रत्नों का राज, इसलिए देखना ना भूले कालचक्र। कई बार होता है कि हम अपनी परेशानियों को कम करने के लिए रत्न पहन तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद अगर हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले तो हम रत्नों को और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कोसने से पहले क्या कभी हमने ये सोचा कि जो रत्न हमने पहना है क्या उसके पहनने का समय, वार, तिथि, तरीका सब सही था? क्या जो रत्न हमने पहना है उसका वजन, उसकी शुद्धता और जिस धातु में वो जड़ा हुआ है क्या वो सही है? नहीं ना। तो आज कालचक्र देखने के बाद आप इन सभी बातों का आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज कालचक्र में ये खास एपिसोड, इसमें पंडित जी आपको रत्नों का एक एक राज बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो रत्न आपने धारण किया है उसका आप पर असर कब और कैसे होगा, तो बने रहिए पूरे एक घंटे हमारे साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 01206652411। तो कालचक्र का आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पुखराज की। इस रत्न को किस धातु में पहनना चाहिए, कितने रति का पहनना चाहिए, किस वार, तिथि और समय में इसको धारण करना चाहिए, जिसमें ये इसको धारण करना बहुत शुभ माना जाए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, यही सवाल कि बहुत सारे लोग रत्न तो पहन लेते हैं, आपके पास तो आते होंगे और कहते होंगे पंडित जी हमने ये भी पहन लिया, देखिए लेकिन कोई असर नहीं हुआ, समस्या ज्यों की त्यों है, जीवन ज्यों का त्यों है, ऐसा क्यों होता है? और रत्नों को पहनने का वार, तिथि, दिन और ये सब किस दिन हमें पहनना चाहिए, कौन सा समय शुभ होता है? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि रत्न पहले देवताओं के द्वारा धारण किया जाता था, राजा महाराजाओं के द्वारा धारण किया जाता था। रत्न जीवन में लाभ पहुंचाए सिर्फ इसलिए नहीं, रत्न वैभव का कारक भी है। अगर आप कोई वेश कीमती रत्न धारण करते हैं तो उससे आपका वैभव झलकता है, उससे आपकी संपन्नता झलकती है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति झलकती है। धीरे धीरे कालांतर में अब इस समय जन सामान्य तक रत्न पहुंच चुका है, ठीक है। रत्नों का जीवन में असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहिर्व्याप्तम इदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। ग्रह के अनुकूल ये रत्न हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, सकारात्मकता लाते हैं, जिससे हमारी कर्म करने की क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका परिणाम ये होता है कि हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में कहें तो भाग्योदय भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पुखराज रत्न का। देखिए, पुखराज जो पीला न हो पुखराज नहीं होता। आजकल जो जौहरी पुखराज बेचते हैं बड़े चालाकी से बोलते हैं, ये ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, ये क्षत्रिय वर्ण पुखराज है, ये वैश्य वर्ण पुखराज है, ये शूद्र वर्ण पुखराज है, जबकि पुखराज पुखराज ही होता है, कोई वर्ण नहीं होता है। सफ़ेद पुखराज को कह देंगे ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, लालिमा लिए हुए पुखराज को कह देंगे ये क्षत्रिय वर्ण पुखराज है, ज़्यादा पीला होगा तो उसको कह देंगे कि वैश्य वर्ण पुखराज है, और एकदम पीला होगा तो उसको कह देंगे शूद्र वर्ण पुखराज है। जबकि पुखराज पुखराज होता है, पुखराज में कोई वर्ण नहीं होता है, और जब पीला नहीं होगा तो पुखराज हो ही नहीं सकता है। और इसको ठीक से जानने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने जूलॉजिकल लैब अपने स्थापित किए हुए हैं, जहां आप पुखराज की गुणवत्ता की जांच करवा सकते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि ये चीज़ असली है या नकली है। रत्नों की पहचान बहुत मुश्किल है, बहुत दुरूह है, इसके जो एक्सपर्ट हैं वही इसके बारे में सच सच बता सकते हैं। तो जूलॉजिकल टेस्ट से सारी बातें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और अगर महंगा रत्न खरीद रहे हैं तो किसी पर विश्वास न करके
बल्कि उसका परीक्षण करवा लेना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय जो होता है वो होता है सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक। पुखराज को गुरुवार के दिन और शुक्ल पक्ष में ही धारण करना चाहिए। किसी किसी का मत है कि इसे कृष्ण पक्ष में भी धारण करना चाहिए, लेकिन मैं इस मत का खंडन करता हूँ, बिल्कुल कृष्ण पक्ष में नहीं धारण करना चाहिए। हाँ, पुखराज को हाथ या गले में धारण किया जा सकता है। पुखराज जिस राशि में है वहाँ अगर निर्बल और कमजोर है, लग्नेश पंचमेश नवमेश है या राशि से लग्न पंचम नवम का स्वामी है तो उसे अंगूठी में पहनना चाहिए। लेकिन अगर किसी ऐसे भाव में है कि उसकी अगली राशि कर्क राशि है, जैसे मिथुन राशि का बृहस्पति है, तो ऐसे व्यक्ति को पुखराज सोने के लॉकेट में गले में धारण करना चाहिए। लेकिन अगर सिंह राशि का बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी को पुखराज रत्न बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में सोने में धारण करवाना चाहिए। पुखराज को वैसे तो सोने में धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो इसे पंचधातु या अष्टधातु में भी धारण किया जा सकता है। पुखराज का कम से कम वजन 3 से 4 रत्ती होना चाहिए और पुखराज कभी भी पूरा 6, 11 या 15 रत्ती का नहीं होना चाहिए। 6.5, 6.5 होना चाहिए, 6.25 होना चाहिए, 11, 11.5, 10.5 होना चाहिए, 15, 15.5, 15.5 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और धारण करने के पहले दूध और गंगा जल से धोना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 19,000 बार जप करके अगर इसके धारण किया जाए तो इसकी गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। नहीं तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोल करके पूर्व दिशा में मुँह करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। जय माँ विंध्यवास। और चलिए अब बात करेंगे शनि के रत्न यानी कि नीलम की। इसके बारे में कहा जाता है कि या तो ये रत्न आपको बुलंदियों पर ले जाता है या फिर अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इसको पहनने का दिन, समय, तिथि और वजन के बारे में हमें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। इसलिए नीलम को धारण करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। नीलम के बारे में बताइए पंडित जी। श्रद्धा, अगर नीलम रत्न को दुनिया से हटा दिया जाए तो सारे रत्नों की वैल्यू जो है कूड़े खाने की तरह हो जाएगी। केवल नीलम को अगर संसार से हटा दिया जाए तो किसी रत्न की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप पूछे कैसे? नीलम ही एक ऐसा रत्न है जो सामने वाले को ये बताता है कि मैं नीलम हूँ। अगर नीलम आपके लिए लाभकारी है तो 24 घंटे में आपके जीवन बदलने शुरू हो जाते हैं सकारात्मक वे में। और यदि नीलम आपको नुकसान करना चाह रहा है, नीलम आपके लिए हानिकारक है, तो 1 घंटे के अंदर ही वज्र गिरना शुरू हो जाता है और 24 घंटे तक तो ये तूफान मचा देता है। और 10% समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये ना नुकसानदेह है ना फायदेमंद है, ऐसे लोगों के लिए न्यूट्रल है। तो नीलम का जो चमत्कार है, अर्श से फर्श पर ले जाना, फर्श से अर्श पे ले जाना, ये चमत्कार ही रत्नों के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। और नीलम जैसी ताकत और किसी रत्न में नहीं है। हाँ, नीलम जैसी ताकत एक रत्न में और है, वो है वैदूर्यमणि लहसुनिया, केतु का रत्न है, उसमें भी ये ताकत है। लेकिन वो तब जब कनक खेत लहसुनिया हो। कनक खेत एक प्रजाति है लहसुनिया की जो बहुत महंगी है, 20-25 हज़ार रुपये रत्ती की मतलब की प्राइस है। और वो एकदम कैटाई इसको कहते हैं लहसुनिया को, कैटाई मतलब बिल्ली की आँख जैसा, तो बहुत ही सुंदर होता है देखने में। और जो लोग धारण किए रहते हैं उनके हाथ पर अगर आपकी निगाह जाएगी तो आपकी निगाह हटेगी नहीं वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि नीलम रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है, यानी
सुबह 5 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। मैं तो सबको 4 बजे बताता हूँ शाम को कि नीलम 4 बजे धारण कीजिएगा, जिससे ना तो देर होगी और ना तो बहुत जल्दी होगी। नीलम को शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, इसमें भी तर्क देते हैं कि शनि और चंद्रमा का संबंध ठीक नहीं है, इसलिए नीलम को कृष्ण पक्ष में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है सभी ग्रहों का बीज है, इसलिए नीलम को भी श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाना चाहिए। और नीलम को हाथ या गले दोनों जगह धारण किया जा सकता है। नीलम रत्न को चांदी में भी धारण करने का विधान है। देखिए, ये दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर जो है, ये शनि की उंगली है, इसमें कभी भूल करके आपको सोने की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि शनि और सोना दोनों में बहुत ही ज़्यादा विपरीत स्वभाव है, इसलिए हर समय नीलम को चांदी में धारण किया जा सकता है, या इस मिडिल फिंगर में लोहे की अंगूठी आप पहन सकते हैं। नाव के कील का छल्ला, घोड़े के नाल का छल्ला, ये सब चीज़ें आप अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नीलम को सोने में भी बनवा करके फैशन में पहन लेते हैं, जिससे नीलम का पूरा लाभ ऐसे लोगों के जीवन में नहीं मिल पाता है। नीलम धारण करने की सही विधि ये है कि नीलम बनवा करके उसे जल और दूध से धो करके ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भूंत पीतये संयो रभिश्रमंतुना, इस मंत्र का 23,000 जप करके अगर धारण किया जाए तो इसकी संपूर्ण शास्त्रीय विधि होगी, और नहीं तो ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 10 माला पूरब मुँह करके जप करके और इसे धारण कर लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो रत्नों के बारे में हम लगातार जान रहे हैं, पन्ना रत्न धारण करने का सही समय, कैसे धारण करना है, किस धातु में धारण करना है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन पंडित जी, एक मेल, क्योंकि लगातार मेल्स भी हमारे पास आते रहते हैं, और एक मेल आया हुआ है उसके बारे में जानना चाहूँगी। अंकित शर्मा इनका नाम है, 31/12/85। दो बजकर 15 मिनट दिन में इनका जन्म हुआ है, PM, एटा UP। ये नौकरी करते हैं और इनका कहना है कि घर वाले कहते हैं कि घर आ जाओ, बिजनेस कर लो, तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। इनका कहना है कि क्या मेरे लिए घर जाना ठीक है, बिजनेस इनके लिए ठीक है, और अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो भाई के साथ मेरा रिलेशन ठीक रहेगा या उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। पहली बात तो मैं अंकित जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि आपका जन्म मेष लग्न में सिंह राशि में हुआ है। आपके लग्न में राहु, सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु और दशम भाव में नीच का बृहस्पति, माने तीनों केंद्र जो है आपके दूषित हैं, और तीनों केंद्र दूषित होने के साथ साथ इस समय चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो एक तरह से विषयोग की महादशा है। ना तो आप सही डिसीजन ले पा रहे हैं, ना आप सही काम कर पा रहे हैं। जहाँ तक घर जाकर के रहने की बात है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि आपका लग्नेश मंगल चर राशि में है, आप घर जाकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हर समय अपने घर से दूर रह करके ही अपनी आजीविका चलानी चाहिए, वहीं आपको सफलता मिलेगी। और अभी जो समय आपका चल रहा है चंद्रमा का, केंद्रस्थ चंद्रमा सुफल देने में उदासीन है, ये कोई आपके जीवन में चमत्कार करने वाला नहीं है। आपको किसी शिवालय में रोज जा करके 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और शनिवार के दिन किसी काली गाय को या भैंस को भात, दही, घी, गुड़, चारों चीज़ें मिला करके खिलाना चाहिए। साथ शनिवार ये उपाय करने से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, आपका जीवन, संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में जान नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात पन्ना रत्न की करेंगे। अगर आपने भी पन्ना रत्न धारण किया है या धारण करने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी,
क्योंकि अब हम पंडित जी से जानेंगे कि पन्ना रत्न कितनी रति का धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, किस वार, तिथि और समय में इसको पहनना चाहिए ताकि ये चमत्कारी लाभ दे। बताइए पंडित जी। देखिए, पन्ना रत्न वो लोग धारण करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह शरीर भाव का, संतान भाव का या भाग्य भाव का स्वामी होता है, या बुध राशि का स्वामी होता है, या बुध राशि से पांचवें भाव और नौवें भाव का स्वामी होता है, तब पन्ना रत्न धारण किया जाता है। पन्ना रत्न धारण करने का सबसे जो उत्तम समय है मेरे समझ से, वो सूर्योदय सूर्यास्त दोनों का है, यानी सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। पन्ना को शाम 5 बजे से रात 9 बजे या शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच धारण करना चाहिए। पन्ना को बुधवार के दिन धारण करना चाहिए शुक्ल पक्ष में। एक ऐसा रत्न है जिसे कृष्ण पक्ष में धारण करने के कुछ लोग बात कहते हैं, लेकिन मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैंने देखा है कि अगर ये रत्न कृष्ण पक्ष में धारण करा दिए जाएँ तो ये या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या अनर्थ करते हैं। पन्ना हाथ या गले में धारण किया जा सकता है। हाथ में धारण करने का मतलब अंगूठी में, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में, और गले में का मतलब लॉकेट में बनवा करके गले में धारण किया जा सकता है। पन्ना रत्न को सोना, चांदी, पंचधातु या अष्टधातु में धारण किया जा सकता है। पन्ना रत्न 3 से 6 रत्ति के बीच होना चाहिए। अगर अधिक भी रत्ति हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पन्ने की बहुत सी प्रजातियां हैं, और जब पन्ने में जाल नहीं दिखाई दे तो आप मान लीजिएगा कि ये पन्ना या तो ऑनेक्स होगा, नकली होगा, और या तो ये बहुत ऊंची कीमत का होगा। तो ऐसे में किसी विशेषज्ञ के ऊपर केवल विश्वास करके रत्न नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड जूलॉजिकल लैब जो हैं वहाँ पर जांच करवा करके ही रत्नों को खरीदना चाहिए। उससे रत्नों की गुणवत्ता का पता चलता है और रत्न असली है कि नकली है उसका भी पता चलता है। क्योंकि एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रत्न कभी पुराने नहीं होते हैं, और एक व्यक्ति का पहना हुआ रत्न दूसरा व्यक्ति उसे जल दूध से पवित्र करके, धूप दीप दिखा करके, मंत्रों का जप करके दूसरा व्यक्ति धारण कर ले तो उसका दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि रत्न जितने पुराने होते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के ज़माने में जो ट्रीटेड रत्न आ रहे हैं, ट्रीटेड पुखराज आ रहा है, ट्रीटेड नीलम आ रहा है, बैंकॉक का पुखराज आ रहा है, बैंकॉक का नीलम आ रहा है, ये सब कलर किए हुए हैं। इनको 200 वाट के बल्ब के सामने ले जाओगे तो ये तुरंत सफ़ेद हो जाएंगे। ये ट्रीटेड हैं, इनको रीसेल में ले जाओगे बेचने के लिए कौड़ी नहीं मिलेगी, एक कौड़ी नहीं मिलेगी। और जो ओरिजिनल हैं, जो एकदम नेचुरल हैं, उनको आज के 100 साल बाद भी बेचोगे तो उनकी बढ़ी हुई कीमत आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए रत्न खरीदते समय थोड़ी सी चैतन्यता, थोड़ी सी बुद्धिमानी होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यकीन मानिए, आज कालचक्र देखने के बाद रत्नों से जुड़ी आपकी हर कंफ्यूजन जो है वो छूमंतर हो जाएगी। आप समझ और जान पाएंगे कि जो रत्न आपने पहना है क्या वो सही है, क्या उसके पहनने का तरीका, उसका समय, उसमें लगी धातु और उसकी शुद्धता किस हद तक सही है। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और पंडित जी से जानिए रत्नों का एक एक रहस्य। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मूंगा रत्न की। इस रत्न की खासियत क्या होती है, किस समय धारण करना चाहिए, इसका सही वजन क्या होना चाहिए और किस धातु में धारण करने से मूंगा सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल और हिंदी में प्रवाल कहते हैं। मूंगा रत्न दूसरे रत्नों से इसलिए भिन्न है कि मूंगा जो है ये कोई ठोस रत्न नहीं है, ये लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। कैसी लकड़ी है? मूंगा नाम का एक जानवर होता है जो समुद्र में रहता है, और समुद्र की लहरों के साथ वो बाहर निकल आता है, और वहाँ लकड़ी के खोंढर अगर पड़े होते हैं तो उन्हीं में वो जा करके प्रवास करता है, अर्थात रहता है। तो उसका लार्वा जो निकलता है वो लार्वा उसी लकड़ी में इकट्ठा हो जाता है, बाद में
मूंगे की तलाश करने वाले शिकारी टाइप के लोग समुद्रों के किनारे टहलते हुए लकड़ियों में ढूंढते हैं उसे और उस खुरुच करके उसको निकाल लेते हैं। फिर उसको नाना प्रकार के शेप देकर तिकोना आकार, अंडाकार, ओवल, कैप्सूल की तरह उसे बना करके मार्केट में बेचते हैं। ये मूंगा के असली होने का पहचान है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आपको बताया जा रहा है कि असली होने का पहचान ये है तो आप ऐसी पहचान उसकी कर दें कि उसकी दुर्गति कर दें। जैसे मूंगे की पहचान ये है कि अगर मूंगा के ऊपर हल्का सा एक बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए और एक मिनट तक रोका जाए तो निश्चित रूप से वहाँ का रंग उसका सफ़ेद हो जाएगा और फिर धोने के बाद वो रंग अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा। लेकिन आप टीवी पे हमारी बात सुन रहे हैं और किसी का मूंगा आपने पाया, टेस्टिंग के नाम पे आपने दो नींबू निचोड़ करके उसमें पूरा मूंगा डुबो दिया, उसका तो सत्यानाश कर दिया आपने, क्योंकि वो मूंगा ख़त्म हो जाएगा, वो रह ही नहीं जाएगा किसी क्रिया का। तो ऐसा भी ना करिए, ऐसा ही करिए जिससे कि टेस्ट करने के लिए अगर आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो इसका मतलब थोड़ी 5 बोतल खून निकाला जाता है, सैंपल सैंपल की तरह ही होता है ना। तो आपके भी टेस्टिंग का तरीका टेस्टिंग के तरीके की ही तरह होना चाहिए। सूर्योदय के समय मूंगा धारण करने का शास्त्र सम्मत विधान है। सूर्योदय के समय का ये सबसे उत्तम समय होता है, बाकी जो भी समय लोग कहते हैं संकोच में कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ। सूर्योदय के समय मूंगा धारण करना सबसे उत्तम होना होता है। वैसे कोई कोई लोग 5 से 9 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, भैया ये हिंदुस्तान है, हाँ यहाँ कहते हैं जब जागो वही सवेरा। मूंगा मंगल का रत्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। एक ऐसा रत्न है जिसे सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। कुछ लोग कहते जरूर हैं कृष्ण पक्ष में धारण करना चाहिए, लेकिन मैं इसका जोरदार खंडन करता हूँ। मूंगा रत्न हाथ या गले में धारण किया जा सकता है। छोटे बच्चों को मूंगे पर गणेश जी बने हों ऐसा लॉकेट गले में पहनाना चाहिए। मूंगा रत्नों को सोने, चांदी या तांबे के धातु में धारण किया जा सकता है। कम से कम 4 से 6, 11 या 13 रत्ती का मूंगा होना चाहिए, परंतु 5 और 14 रत्ती का मूंगा नहीं पहनना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मोती रत्न की। कितने वजन का मोती, कितने रत्ती का मोती, किस वार, तिथि, समय और किस धातु में पहनना शुभ माना जाता है, साथ ही क्या मोती गले में भी धारण किया जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, बहुत प्राचीन काल से अगर देखा जाए हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, तो लोगों ने बहुत उच्च स्तर का पुण्य कमाने के लिए मोती का दान किया है। और जिसका जीवन बहुत अच्छा होता है, सब प्रकार से सुंदर होता है, उसके बारे में एक कहावत है, अरे आपने मोतियों का दान किया होगा। मतलब दान में मोती से बढ़ करके कुछ माना नहीं जाता है। अच्छा, मोती की जहाँ तक बात है तो नेचुरल मोती बहुत मुश्किल से मिलती है। नेचुरल मोती का मतलब कि सीप में स्वाति का पानी जाए, जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में हो उसका जल सीप में जाए और उससे मोती बने, वो ओरिजिनल मोती है। ये ज़्यादा करके बसरा में पाया जाता है, समुद्र के किनारे बसरा में पाया जाता है। वहाँ लड़के लड़कियाँ गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जा करके सीप निकालते हैं और उनसे इस मोती की उम्मीद की जाती है। ये काफ़ी महंगा और आम लोगों के हैसियत के बाहर की चीज़ है। लेकिन इस समय जो मोती चल रहा है ये कल्चर्ड मोती है। जैसे ढेर सारी सीप को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हल्का सा हीट करते हैं, सीप का मुंह खुल जाता है, केमिकल परख नली में ले करके और सारी सीप में दो दो बूंद केमिकल डिप कर देते हैं, फिर उसको फ्रीजर कर देते हैं, फिर उसको पानी की टंकी में डाल देते हैं। 15-20 दिनों के बाद उन सभी सीपों में मोतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। फिर उसे टंकी से निकाल करके टेम्परेचर दे करके जब सीप के मुंह खुल जाते हैं तो उसकी मोतियाँ निकाल ली जाती हैं और एक एक आकार की, छोटी बड़ी जैसे आकार की मोतियों की ढेरी बना ली जाती है। यही मोती इस समय प्रचलन में है और यही मोती इस समय ओरिजिनलिटी भी है और यही लोगों के बस में भी है। मोती की पहचान क्या है भैया? मोती की पहचान ये है
कि आप दो मोती ले लीजिए, एक परीक्षण करने के लिए एक वैसे रख दीजिए, और एक मोती को लेकर थोड़ा सा चावल लेकर के और उसी में मोती को रख करके हाथ से ऐसे 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 एक मिनट रगड़ दीजिए। अगर मोती का रंग भाग जाए दूसरे वाले मोती की अपेक्षा तो वो ओरिजिनल मोती नहीं है, और अगर मोती का रंग वही रहे जो पहले वाले का है तो मोती ओरिजिनल है। ये इसके परीक्षण की विधि भी है जिसे जानना चाहिए। सूर्योदय के समय मोती धारण करना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद रात में 8 बजे शुक्ल पक्ष में अगर इसे धारण किया जाए तो ये वरदान जैसा साबित होगा। मोती को सोमवार को ही धारण करना चाहिए। मोती की माला गले में धारण करना बड़े वैभव का प्रतीक है, लेकिन इसकी माला अगर नहीं धारण कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि ग्रह के रत्नों में छेद भी ना करवाएं, इनको गले में धारण करें तो जड़वाकर ही पहने। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए। मोती रत्न कम से कम 2, 4, 6, 10 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन 7-8 रत्ती का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 शनि का मूलांक है, इसलिए थोड़ा सा इससे बच करके परहेज करना चाहिए। इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन जो हमारा विवेक कहता है कि 8 शनि का मूलांक है और चंद्रमा के लिए शनि का मूलांक वर्जनीय है, इसलिए 8 रत्ती से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे माणिक्य की। माणिक्य को पहनने से पहले हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि माणिक्य कब पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, कितने वजन का होना चाहिए और किस दिन इसे धारण करने से आपको सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, माणिक्य के बारे में कहावत है कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है। अगर असली माणिक्य हो तो वो इतना महंगा होता है कि उसके कमीशन में जितना पैसा मिलता है उससे हीरा खरीदा जा सकता है। मतलब सूर्य तो ग्रहों का राजा है ही है, माणिक्य को भी ग्रहों का राजा और शिरोमण मानिए। अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो सबसे उत्तम माणिक्य होता है नागमणि, जिसे नाग अपने शरीर से निकाल करके उसके प्रकाश में घूमते टहलते हैं। उस नागमणि के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि नागमणि जब एकांत में रहेगी और जहाँ कोई शब्द नहीं होगा तो उस नागमणि का लाल प्रकाश धीरे 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 फैलेगा, और अगर कोई व्यक्ति भूल करके भी हथेली की आवाज़ कर देगा तो धीरे धीरे वो अपने को समेट लेगा, अपनी रोशनी को समेट लेगा। और हर समय जंगल के वातावरण में, एकांत के वातावरण में ही इसको देखा जा सकता है, और ये बहुत ही प्रकृति के संकेतों को समझने वाला होता है। लेकिन खैर वो तो मिलना ही असंभव रहा, दिखना भी असंभव है। लेकिन माणिक्य, जम्मू का माणिक्य भी बहुत अच्छा होता है, हमारे देश में ही है जम्मू कश्मीर। इसे सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए, सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए, और इसे सोने की अंगूठी में या तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। रविवार के दिन पहनना अच्छा होता है। इसे सोने में, पंचधातु में, अष्टधातु में या तांबे में धारण करना चाहिए। माणिक्य को कभी भी चांदी में नहीं बनवाना चाहिए। माणिक्य का वजन कम से कम 3 रत्ती तो जरूर होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात होगी ओपल रत्न की। ओपल रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए, इसे धारण करने का सही समय, तिथि, वार, धातु कौन सी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। ओपल के बारे में बताइए, मेरा सबसे पसंदीदा रत्न है ओपल। देखो ओपल तो उपरत्न है, ये रत्न नहीं उपरत्न है, और ओपल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 सालों में दुनिया ने जाना है। ना तो हमारे शास्त्रों में ओपल का कहीं नाम लिख के आता है, ठीक है। ओपल शुक्र के लिए प्रयोग किया जाता है, हीरे का उपरत्न है, और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में ये पाया जाता है। आज इसकी नकली प्रजातियां बहुत प्रचलन में हैं। ओपल का मतलब होता है जिसमें लस्टर हो, जिसमें चमक हो, जो सतरंगी चमक से दमदमा रहा हो, आगे पीछे जिधर से भी आप देखें उसमें ऐसे लगे कि जैसे तारा मंडल उदय हुए हैं, वो तो है ओरिजिनल ओपल।
और एक ओपल वो है जो राजस्थान और किशनगढ़ से मार्बल मिलता है, सफ़ेद वाला, एकदम सफ़ेद वाला मार्बल, उसको काट कूट करके और उसके छोटे छोटे रत्न के आकार बना करके उसको भी ओपल के नाम पे लोग बेच देते हैं, क्योंकि वो भी सफ़ेद दिखता है, चिकना दिखता है, लस्टर नहीं है, सस्ता बिक जाता है, 100 रुपये रत्ती बिक जाता है, 50 रुपये रत्ती बिक जाता है। तो ओपल के परीक्षण की विधि जरूर होनी चाहिए। ओपल शुक्र का रत्न है, इसे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में धारण किया जा सकता है, और ओपल को हर समय चांदी में धारण करना चाहिए। ओपल को अगर हाथ में धारण करें तो तर्जनी उंगली में धारण करें। देखिए, ये देख रहे हैं ना, बृहस्पति की उंगली है तो शुक्र का रत्न क्यों? इसलिए कि यहाँ नीचे शुक्र ग्रह का पर्वत है, इसलिए इस उंगली में, चांदी की अंगूठी में ओपल धारण कराया जा सकता है, या फिर उसको चांदी के लॉकेट में, गले में, चांदी की चेन में धारण कराया जा सकता है। शुक्र का रत्न होने के कारण इसे धारण किया जाता है। ओपल को चांदी या व्हाइट गोल्ड में भी धारण किया जा सकता है। हीरा और ओपल दोनों ही शुक्र के रत्न हैं, लेकिन आपको ओपल अनामिका में, कोई कोई लोग कहते हैं धारण करने के लिए, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अनामिका इसको कहते हैं, इसके नीचे सूर्य ग्रह है, इसके नीचे निम्न मंगल है, इसके नीचे चंद्रमा है, तो फिर यहाँ शुक्र का रत्न कैसे चलेगा? बात तर्क सम्मत नहीं है। इसलिए ओपल जब भी पहनना हो तो इंडेक्स फिंगर में ही पहने। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे लहसुनिया रत्न की। लहसुनिया रत्न पहनने से किस ग्रह की शांति होती है, धारण करने का सही समय, वार और तिथि इसकी क्या है, तरीका क्या है, कौन सी धातु है जिसमें इसको धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अब लहसुनिया के बारे में मैंने पहले चर्चा किया था ना अभी कि कनक खेत लहसुनिया सबसे अच्छी होती है। लहसुनिया को वैदूर्यमणि भी कहते हैं, हिंदी में वैदूर्यमणि कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई। कैटाई का मतलब तो आप भी समझ रहे होंगे, बिल्ली की आँख जैसा। तो लहसुनिया जो होती है उसको जरा सा उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए तो उसकी आँख ऐसे ऐसे नाचती है, और जिसमें कनक खेत लहसुनिया का तो कुछ पूछना ही नहीं। इसे सूर्यास्त के समय धारण करना चाहिए। लहसुनिया शाम 5 से 7 बजे के बीच धारण करना चाहिए। लहसुनिया को हमेशा चांदी की धातु में बनवा कर पहनना चाहिए। हालांकि इसे सोने में भी कोई कोई लोग शौक बस पहनते हैं और दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में भी पहनते हैं। लहसुनिया रत्न मंगलवार को धारण किया जाता है। यद्यपि केतु का रत्न है, लेकिन केतु के बारे में कई बार कहा जाता है तमोयत केतु यम फलम, केतु मंगल की तरह फल देता है, या केतु कभी कभी शुभ फल देता है। तो इन धारणाओं के तहत इसे सोने में भी और कनिष्ठा में भी धारण करने का लोग एडवाइस करते हैं। लहसुनिया कम से कम 4 रत्ती का या 7 रत्ती का होना चाहिए। 13 रत्ती का लहसुनिया धारण करना सबसे अशुभ माना जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब रत्न के बारे में पंडित जी से जानते हैं, जिसे पहनने से राहु हमेशा शुभ फल देते हैं, और इस रत्न को पहनने का सही तरीका, वार, समय और वजन क्या होना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, कौन सा है वो रत्न, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं गोमेद की, बाकी सारे रत्नों की बात हो गई है, सारे ग्रहों से रिलेटेड रत्नों की बात हो गई है, अब राहु का रत्न है गोमेद। गोमेद कई प्रजाति का होता है, जैसे एक तो होता है गार्नेट, मैग्नेट गार्नेट, गार्नेट गोमेद को ही कहते हैं, जो मतलब चुंबकीय गोमेद होता है, फटाफट सारी लोहे की चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है अपने साथ, चुंबक जैसा होता है, बहुत अल्पमूल्य होता है, बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन कुछ लोग इसे भी पहनने की एडवाइस करते हैं। एक होता है गया गोमेद, जो गया में पाया जाता है, काफ़ी अल्पमूल्य होता है, काफ़ी सस्ता होता है, और जो सामान्य से नीचे होता है। एक होता है सिलोमी गोमेद, जो काफ़ी अच्छा होता है और जिसका प्रभाव भी होता है। देखिए, गोमेद को हर समय बुधवार या शनिवार के दिन धारण किया जाना चाहिए, और गोमेद को सूर्यास्त के समय धारण करना सबसे उत्तम माना जाता है। 5 से 7 बजे के बीच गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। गोमेद को हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए। गोमेद रत्न कम से कम 4, 6, 11 या 13 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन 7, 10, 16 रत्ती का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। ध्यान रखिए, गोमेद पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राहु खराब है तब भी कुछ बुद्धिमान लोग राहु को
ठीक करने के लिए गुमेद पहना देते हैं, जिसका परिणाम एक्सीडेंटल दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही गुमेद एडवाइज करना चाहिए। जय माँ बिंदीवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय भगवान जी, दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। धन्यवाद पंडित जी को, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं जय भगवान शर्मा बोल रहा था जी। मेरी उम्र है 69, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी उम्र है 38 जी। और वो सिंगर थी जी, अब शादी के बाद 3-3.5 साल हो गए, उसको काम नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है जी, पंडित जी थोड़ा बताएं। मैं तो देख पा रहा हूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है, शुक्र शनि दोनों की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है, ऐसे में काम मिलने का संयोग तो कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और 17 जनवरी 2023 तक अभी इस काम में सफलता नहीं मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए, थोड़ा तेज बोले जी। मेरा नाम अंजू है, नमस्कार पंडित जी। हाँ बताइए क्या बात है। मेरी लड़की का जन्म है 19 अक्टूबर 1997 जी। उसके भविष्य के बारे में पूछना है कि वो क्या मांगलिक है और क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी आगे कैसे रहेगी। आपका नाम क्या है, अंजू है कि मंजू? अंजू। चलिए अंजू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दशम भाव में मंगल है, मंगली तो है आपकी बिटिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, भविष्य भी ठीक रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आगे आने वाला समय उसका ठीक रहेगा, बस उसको चाहिए कि मंगलवार को हो सके तो गेहूँ का आटा और गुड़ किसी मंदिर में 7 मंगलवार दान करे, इससे आने वाला समय उसका अच्छा होगा। जय माँ बिंदीवासिनी। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं उन 7 बर्तनों के बारे में जिनका इस्तेमाल दुख और दरिद्रता को दूर करके परिवार में खुशियां लाता है, बताइए पंडित जी। देखिए अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो चांदी के बर्तन में खाना खाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। सूर्य और मंगल की दशा चल रही है, कुंडली में ये ग्रह कमजोर हैं तो तांबे के बर्तन में रात भर पानी भर करके रखें और सुबह उस पानी को पिएं। पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने से राहु केतु अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। शनि की दशा चल रही है तो पूरे दिन में एक सब्जी लोहे के बर्तन में जरूर बनाना चाहिए। सरसों के तेल में सब्जी पकाएं, कढ़ाई और तवे का राहु और केतु से संबंध है, ऐसे में रात में ये दोनों ही चीज़ें गंदी ना छोड़ें, अगर ऐसा आप उपाय करेंगे तो निःसंदेह आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी आज आपने बताया कि भाई रत्न पहनने का सही तरीका, सही समय, वार, तिथि, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कितने रत्न का पहनना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने आज दर्शकों को दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा, कल फिर ऐसे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।